उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास के निगम के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं और हाल के दो वर्षों में हमने अनुसूचित जाति के 50,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। हमारा विभाग 20,000 रुपए से लेकर के 15,00,000 रुपए तक का वित्त पोषण करता है अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए, जिसमें हम चाय की दुकान से लेकर के भैंस पालन, डेयरी, टेंट हाउस जैसी तमाम योजनाएं हमारे पास हैं। और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अशक्त है, कोई रोजगार करने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि आप एक चाय की दुकान खोल लीजिए, आप हमसे 20,000 रुपए लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए और उसमें 10,000 रुपए अनुदान है, 10,000 रुपए अनुदान है, सिर्फ 10,000 रुपए की आपको वापसी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लॉन्ड्री की योजना चला रहे हैं, जिसमें हम 2,16,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण देते हैं ऐसे लोगों को। हमारी योजनाएं हैं कि अनुसूचित जाति के लोग दुकान का निर्माण करें, दुकान निर्माण के लिए हम लोग वित्त पोषण करते हैं, ब्याज मुक्त वित्त पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित जातियों को रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर जहां अनुसूचित जाति की बाहुल्यता है, उन बस्तियों को हम आदर्श ग्राम बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 1389 गांव चिन्हित हुए हैं जो अनुसूचित जाति के बाहुल्य गांव हैं। और उसमें हम ई सुविधा, सोलर लाइट, शुद्ध पेयजल, आंगनवाड़ी, स्कूल, आवास, शौचालय आदि की सुविधाएं देने जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण हो रहा है, जो कि विगत 70 वर्षों में नहीं हुआ।